एक तरफ हेमल भाभी का इश्यू है, दूसरी तरफ फरिया के इरादे भी समझ नहीं आ रहे, और सबसे बड़ा मसला ये है कि मम्मी अपनी जिद पर अड़ गई हैं। उन्हें कोई नहीं समझा सकता, इतना तो मैं उन्हें समझ गई हूँ। यानी मैंने और शहरयार भाई ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी फरिया की खुशियों को अपने स्टेटस के लिए कुर्बान करना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फरी समझा सकती थी, लेकिन लेकिन अब तो वो खुद भी जिद पर अड़ गई है। मम्मी को फैसला करते हुए कुछ सोचना चाहिए। हाँ, मगर मम्मी समझती हैं अगर वो ये करेंगी तो फहाद और उसकी मम्मी पिछड़ जाएंगी। लेकिन हम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि वो लोग लालची हैं? वो जो समझ लेती है ना, उससे उनको हटाना बहुत मुश्किल है। अब अल्लाह ही मालिक है कि फरी का मसला कैसे हल होगा, लेकिन एमल भाभी का मसला हम हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम दोनों को चाहिए कि हम तुम्हारे घर जाएं और अंकल आंटी से इस बारे में बात करें, यही कि बिला वजह कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यानी मैं स्ट्रेस कैसे ना लूं? ये मेरे घर का मामला है, और एक मसला नहीं तीन मसले हैं। मैं करूं तो क्या करूं यार, मेरे तो मुस्तकिल अब सर में दर्द रहने लगा है। मैं सर का मसाज कर दूं? तुम अब मेरा सर दबाओगी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, दबा दो। मैं तुम्हारे सर का मसाज कर देती हूँ। इसे भी अभी आना था। तुम फोन पर सुन लो, बात कर लो। ओके, हेलो।